हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक द प्लेटफॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। जैसा कि हम यूनिट वन कर रहे थे, उसी के कंटिन्यूएशन की बात करूंगा मैं कि पिछली बार हमने ये डाइवर्जेंस थ्योरम और इन सब की बात की थी कि ग्रेडियंट क्या है, डाइवर्जेंस क्या है और एक डेल ऑपरेटर कैसे ऑपरेट होता है। तो इसकी बातें हमने बहुत डिटेल में की हैं, लेकिन हमने किस प्लेन को चूज़ किया था, हमने कार्टिशियन प्लेन को सिर्फ चूज़ किया था और उसमें ग्रेडियंट का मैंने एक एग्जांपल भी लिया था। आप ये देखिए, डेल ऑपरेटर के बारे में मैंने बात की थी, जिसमें ये डेफिनेशन मैंने आपको खुल के बताई थी कि ये क्या है, ए एक्स है, ये ए वाई है, ए जेड है। लेकिन अगर डेल के बारे में आपसे कोई पूछे कि डेल क्या वैक्टर क्वान्टिटी है, तो आपका आंसर होना चाहिए नो, इट इज़ नॉट ए वैक्टर क्वान्टिटी। बट डेल को अगर आप किसी स्केलर वी में अप्लाई कर देते हैं तो डेल वी क्या बन जाता है आपका, ये एक वैक्टर क्वान्टिटी बन जाती है। यस, ये सही है। तो ये छोटी छोटी बातें की थी मैंने और आपको याद होगा ये ग्रेडियंट को निकालना प्रॉपरली मैंने बताया था कि ग्रेडियंट क्या होता है। अगर आप डेल डॉट वी, अगर आप डेल वी को लेते हैं जिसमें वी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ग्रेडियंट हमेशा स्केलर क्वांटिटी का निकलता है। उसी तरह अगर आपको डेल डॉट ए कर देते हैं, डेल डॉट ए कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये आपका ये डाइवर्जेंस बन जाता है डेल डॉट ए, जिसमें ए क्या है, ए एक ए मैं बोलूंगा कि दिख रहा है आपको एरो से, एक वेक्टर क्वांटिटी है और वी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद मैं बात करूंगा, किया था कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर, व्हाट इज द कर्ल ऑफ ए वेक्टर, तो आप क्या करेंगे, डेल क्रॉस ए प्रोडक्ट आपने कर दिया था, तो ये क्या बन गया था हमारा, ये बन गया था कर्ल। अगेन मैं बोलूंगा यहाँ पर जो ए ले रहे हैं ये आपके क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि आपको भी पता है कर्ल अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। फिर इसके बाद लाप्लासियन का डिस्कस हुआ था, डेल स्क्वायर वी, ये क्या है आपका, ये आपका लाप्लासियन है। तो बहुत सारी बातें करेंगे और अभी ये छोटी छोटी बातें आप बस अपने माइंड में रखते जाइए। जो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, हो सकता है उनको माइंड में भी ये आ रहा हो कि सर डेल ऑपरेटर तो समझ गए हम, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन सर व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डेल, हम ग्रेडियंट निकाल के व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव, हम डाइवर्जेंस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, डाइवर्जेंस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, कर्ल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, लाप्लास, तो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, व्हाई वी आर अचीविंग दीज थिंग्स एंड व्हाट इज़ द कंक्लूजन एंड आउटकम ऑफ दीज थिंग्स, वॉट इज द एंड रिजल्ट, वट वी आर गेटिंग आफ्टर ऑपरेटिंग दिस डेल ऑपरेटर। तो ये बहुत सारी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर माइंड में कुछ बातें आती हैं तो उसके बारे में मैं क्लियर करूंगा आपको, बट अभी मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा डेल ऑपरेटर को अपने मन में थोड़ा जगह दें, उसका सम्मान करें डेल ऑपरेटर का, इट इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर इन द होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। तो हमने एक डेल के बारे में ये भी बात की थी कि ये देखिए, यू को अगर मैं लेता हूँ तो मुझे ग्रेडियंट निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल यू करना पड़ेगा, डेल यू करना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा था कि डी एक्स ऑफ ए एक्स को ए एक्स कैप ले लेते हैं, फिर इस पर प्लस करके आप डी वाई ले लेते हैं, ए वाई ले लेते हैं, फिर आप डी, आप डी जेड ले लेते हैं, ए जेड ले लेते हैं और इसको ब्रैकेट में बंद करके यू लिख देते हैं। यू क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड। तो इसके बारे में डिटेल हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके हम अपना रिजल्ट तक पहुँचे थे। आज मैं बात आपसे करने वाला हूँ इसकी, ये क्या है देखिए, अब इसमें लिखा हुआ है डिटरमाइन द डाइवर्जेंस। तो इसमें सबसे पहला जो स्टूडेंट को आना चाहिए कि डाइवर्जेंस हम किसका निकालते हैं, अगर उसने ये दिया है कि P का एक डाइवर्जेंस फाइंड आउट करो, तो P मस्ट बी A, आप मुझे सोच के बताओ P को क्या होना चाहिए, एक स्केलर क्वांटिटी होना चाहिए या वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। चलिए मैं बैक करके आपको हिंट देता हूँ, देखिए दूसरे पॉइंट पे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, दूसरे पॉइंट पे लिखा है मैंने डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, यानी अगर आप किसी का डाइवर्जेंस ले रहे हैं तो वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी का होगा और उसमें क्या होगा, डेल को डॉट प्रोडक्ट करेंगे आप उस वेक्टर से, और आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी अगर डॉट प्रोडक्ट आपने कर दिया तो ए क्या होना चाहिए, एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। अब आ जाते हैं इसमें, अगर आपको क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, आपको गेट के एग्जाम में या के टी यू के एग्जाम में कि डाइवर्जेंस निकालो पी का, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि पी क्या होना चाहिए, एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। अगर पी एक स्केलर क्वांटिटी है तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा डाइवर्जेंस डज नॉट एग्जिस्ट ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी, बट यहाँ तो पी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी, देखो यहाँ पे ए एक्स कैप भी लगा हुआ है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ए जेड कैप भी लगा हुआ है। अब कोई कहेगा सर ए वाई कैप तो नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ ना ए वाई कैप को, ये लो जीरो मैग्नीट्यूड लिख लिया मैंने और ए वाई कैप लिख दिया, व्हाट इज द प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब दूसरी बात आती है कि सर इसमें हम कौन सा डेल ऑपरेटर लगाएं, क्योंकि हर ऑपरेटर डेल ऑपरेटर बहुत होते हैं, एक होता है आपका कार्टिशियन, एक होता है आपका सिलेंड्रिकल और एक होता है आपका स्फेरिकल, तीन होते हैं आपके,
तो जब ये तीनों हैं तो कौन सा लगाएं आप? तो मैं बोलूंगा इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आपको अगर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड दिखाई दे रहा है तो आप कहाँ पर खड़े हैं? आप ये कार्टेशियन प्लेन में खड़े हैं। और अगर आपको रो फाई जेड दिखाई दे रहा है तो आप सिलेंड्रिकल में खड़े हैं, और आपको आर थीटा फाई दिखाई दे रहा है तो आप स्फेयर में खड़े हैं। तो मुझे तो यहाँ पर एक्स वाई जेड दिखाई दे रहा है। देखिए आप, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये ए एक्स है, ये जेड है, ये जेड। इसका मतलब मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है? कार्टिशियन वाला। आप कार्टिशियन वाला लगाना है तो फिर मैं डेल बराबर लिख लूंगा। डेल बराबर क्या होगा जरा मैं पीछे जाके फाइंड आउट करूँ। ये देखिए डेल का ऑपरेटर मैंने क्या पढ़ाया था आपको, ये देखिए ये वाला डेल का ऑपरेटर, ये किस कोऑर्डिनेट में है? कार्टेशियन में। तो चलिए इसी को यहाँ से यहाँ कॉपी कर देते हैं, तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए। डी अपॉन डी एक्स कर दिया मैंने, और मैंने ए एक्स कैप कर दिया, प्लस मैंने डी अपॉन डी वाई कर दिया मैंने, ये मैंने ए वाई कैप कर दिया, प्लस डी अपॉन डी जेड कर दिया मैंने, ये मैंने ए जेड कैप कर दिया मैंने। ये मेरा क्या हो गया? ये तो मेरा डेल हो गया। अब आपको निकालना है, इसी में मुझे चाहिए कि डेल डॉट पी, डेल डॉट अगर मैं पी की बात कर दूं यहाँ पे, और पी में वेक्टर ले लेता हूँ और इक्वल टू लगा देता हूँ, तो फिर मुझे यहाँ भी डॉट करना पड़ेगा और मुझे पी रखना पड़ेगा। पी की वैल्यू क्या है जरा देखें, एक्स स्क्वायर वाई जेड ए एक्स कैप प्लस एक्स जेड ए जेड कैप, खत्म। अब आपको भी मालूम है कि जब दो प्रोडक्ट का डॉट होता है तो आंसर क्या आता है? जब दो प्रोडक्ट का डॉट होता है, जैसे अगर मैं बात करूं कि एक मेरा एक वेक्टर आर है और एक वेक्टर मेरा एस है। ओह शायद यहाँ मेरी फोटो होगी तो आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं साइड में लिखता हूँ थोड़ा। ये देखिए ये आर है वेक्टर, ये मेरा डॉट एस है। अगर ये मैं इसका आंसर फाइंड आउट करूँ तो ये स्केलर होगा या वेक्टर होगा? ये दो चीज, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, ये मालूम होना चाहिए आपको और आपको पता भी होगा। अब देखिए इसको और इसको दो को मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है, तो आपको भी मालूम है डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, सिर्फ ए एक्स कैप को ए एक्स कैप को ले लेते हैं। तो यहां पर मेरा क्या बन जाएगा, मैं लिखूंगा डी अपॉन डी एक्स, अब यहां पे लिख दूंगा एक्स स्क्वायर वाई जेड, और ए एक्स खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? ए एक्स कैप डॉट ए एक्स कैप वैल्यू क्या होगी? अब देखो जो अच्छे स्टूडेंट है जिनका फिजिक्स अच्छा है उनको मालूम है कि सेम चीज से डॉट करने पे क्या होने वाला है, आपका कॉस जीरो आएगा, तो कॉस जीरो एंगल है तो वन आने वाला है, तो ये कुछ वन होने वाला है। तो इसको अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को एलाबोरेट करूँ तो कैसे लिखूंगा, ए एक्स का कैप लिखूंगा उसका मॉड लिखूंगा, फिर दूसरे में क्या लिखूंगा, ए एक्स का कैप लिखूंगा उसका मॉड लिखूंगा, और कॉस थीटा लिखूंगा या कॉस एंगल फाई लगाऊंगा किसके बीच में, वे एक्स वे एक्स के बीच में, और दोनों वैक्टर सेम है इसका मतलब उनके बीच का एंगल क्या होने वाला है, वन जीरो, और कॉस जीरो बराबर क्या होता है, वन होता है, और मॉड अगर ये यूनिट वेक्टर का लूंगा तो क्या होगा, ये वन मल्टीप्लाइड बाई वन मल्टीप्लाइड बाई कॉस जीरो बराबर वन। तो आपका आंसर क्या आया, वन। ये मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए किया है कि जिनका जो है ट्वेल्थ में कोई डॉट प्रोडक्ट और कॉस प्रोडक्ट जो है टेंथ और ट्वेल्थ में अच्छा नहीं कर पाए वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो अच्छे स्टूडेंट नहीं है, वो आगे चल के ज़्यादा बेटर करेंगे। लेकिन जिसको ये इमीडिएटली समझ में आता है कि सर ये जो डेल ऑपरेटर है ना, आपकी बिना हेल्प के मैं डायरेक्ट ये डेल ऑपरेटर लगा सकता हूँ और मैं डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट विद इन मिनट निकाल सकता हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो अपने अंदर एक अच्छा फीलिंग ला सकते हैं, उनका कॉन्सेप्ट ठीक है, उसका बेसिक कमांड ठीक चल रहा है। अब आगे आ जाता हूँ, अब देखो ये इसमें ए वाई है, इसमें तो कहीं ए वाई दिख नहीं रहा मुझे, जब ए वाई कहीं नहीं दिख रहा तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये अपना डी अपॉन डी वाई बराबर जीरो रख दूंगा। अब ए जेड है तो मैं डी अपॉन डी जेड रखूंगा और मैं एक्स जेड कर दूंगा ब्रैकेट में। अब देखो मैं वही पुरानी बात करूंगा, अगर मैं डी वाई डी एक्स कर रहा हूँ इसका मतलब मेरे लिए वाई और जेड क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो जब वाई एक्स कॉन्स्टेंट है तो इसमें क्या बनने वाला है, ये मेरा टू एक्स वाई जेड प्लस, ये तो मेरा जीरो का डिफरेंशिएशन है जीरो प्लस, अब इसमें मैं जेड के डिफरेंस में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो मेरे लिए एक्स और वाई कॉन्स्टेंट है तो मैं बाहर निकाल लूंगा एक्स को, जेड का डिफरेंशिएशन करूंगा डी वाई डी जेड ऑफ जेड बराबर वन। तो फिर ये आंसर अगर मैं देखूंगा तो मेरा आंसर आएगा टू एक्स वाई जेड प्लस एक्स, ये देखिए ये मेरा क्या आएगा, ये मेरा आंसर है। अब इस आंसर को जरा इस वाले आंसर से मैच करा लेते हैं जो मेरा गिवन है, देखिए मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, ये देखिए
तो ये आंसर और ये आंसर मैच कर रहे हैं, तो ये डाइवर्जेंस को निकालने का एक तरीका मैंने आपको बताया आज। आई होप यू गॉट द पॉइंट हाउ टू गेट द डाइवर्जेंस वैल्यू। ओके, आगे बढ़ता हूँ मैं और पुरानी वाली अगर स्लाइड पे आ जाऊँ तो देखिए, अगर मैं इस पर थर्ड पॉइंट पे बात करूँ इस पर, तो ये क्या है मेरा, ये कर्ल है, कर्ल ऑफ ए वैक्टर। अब फिर मैं बात करूँगा कि अगर मैंने ये कर्ल ऑफ ए वैक्टर निकाला है तो कर्ल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जो कर्ल होता है वो किसी स्केलर क्वांटिटी का नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता, ये देखिए कर्ल का क्या ऑपरेटर होता है, डेल क्रॉस ए। अब आप मुझे बताओ सोच के कि अगर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो ए है वो वेक्टर क्वांटिटी होगा या स्केलर। आपने सुना है कभी स्केलर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट? नेवर एवर, आई हैव नेवर लिसन दैट। सो बोथ द टर्म्स मस्ट बी वेक्टर। अब इसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे कि सर डेल तो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, फिर आप इसमें क्रॉस प्रोडक्ट कैसे ले सकते हैं? तो मैं देखो इसकी डेफिनेशन पे जाऊंगा। ये डेफिनेशन क्या लिखा है, दिस वेक्टर डाइवर्जेंस अदरवाइज नोन एज ग्रेडियंट ऑपरेटर इज नॉट ए वेक्टर इन इटसेल्फ। मतलब ये स्वयं में वेक्टर नहीं है, दिस इज नॉट इटसेल्फ। अगर अदर्स, अगर कभी आपका ऑब्जेक्टिव में कोई पूछे आपसे कि डेल ऑपरेटर इज ए वेक्टर क्वांटिटी, आप बोलेंगे नो। बट व्हेन इट इज गोइंग टू ऑपरेट विद समथिंग, लाइक अगर आप इसका डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं या डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं या क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, दैट इज पॉसिबल। अब आप कहेंगे मुझसे सर व्हाई इट इज पॉसिबल, तो मैं बोलूंगा अगर आप ध्यान से देखें तो डेल ऑपरेटर के अंदर क्या है, यूनिट वैक्टर है ए एक्स, यूनिट वैक्टर है ए वाई और यूनिट वैक्टर है ए जेड। इसका मतलब ये वेक्टर तो नहीं है बट इसके अंदर यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन यूज इट विद द डॉट प्रोडक्ट एंड विद द क्रॉस प्रोडक्ट विद एनी वेक्टर। तो देखिए अब ये देखिए, मैंने ये जो है इसका डॉट प्रोडक्ट कर लिया, अब ये मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके क्या निकालने वाला हूँ, कर्ल। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब देखिए फिर मैं ये बात करूंगा, सबसे पहले ये बात करूंगा कि आपको इसके अंदर क्या दिख रहा है, आपको एक्स वाई, मुझे देखो एक्स दिख रहा है, वाई दिख रहा है और मुझे ये जेड दिख रहा है और ये x दिख रहा है, ये y दिख रहा है। तो ये जो है मेरे पर, मुझे समझ में आ गया कि ये किस प्लेन में है, ये मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि जैसे ही मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पता चलेगा मैं आपको डेल की वैल्यू लिख दूंगा, डी अपॉन डेल एक्स ए एक्स, फिर मैं क्या लिखूंगा, डेल अपॉन डेल वाई ए वाई, फिर मैं क्या लिखूंगा, डेल अपॉन डेल जेड ए जेड। तो इस तरह से जो है मैं आपका डेल तभी लिख सकता हूं जब आप मुझे कोऑर्डिनेट बताओ कि किस कार्टेशियन में है या किस में, तो ये कार्टेशियन सिस्टम में। अब आपको इसको मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्रॉस प्रोडक्ट करने वाला हूं। तो देखिएगा कैसे मैं लिखूंगा इसको, डेल क्रॉस पी, पी क्या होना चाहिए, एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। अब मैं इसमें सबसे पहले लिखूंगा डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई ए वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड। ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ये दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर वाई जेड ए एक्स का कैप प्लस जीरो ए वाई का कैप। अब देखिए ए वाई के साथ क्या है, जीरो है, क्योंकि यहाँ कोई टर्म ए वाई के साथ नहीं दिया होगा, प्लस एक्स जेड ए जेड, ये मैंने कैप लगा दिया। तो आप देख पा रहे होंगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया है। अब इसकी कि क्रॉस प्रोडक्ट को अगर मैं और डिटेल में आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो मैं इक्वल टू करके इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकता हूं। वो कैसे लिखूंगा, देखिए यहां मैं लिखूंगा ए एक्स कैप, यहां मैं लिखूंगा ए वाई कैप और यहां मैं लिखूंगा ए जेड कैप। सर आप ये मैट्रिक्स फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, अगर आपके ये सवाल दिमाग में आता है तो आपको अपने 12th लेवल की फिजिक्स में जाना होगा और याद करना होगा कि आप मैथमेटिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते थे। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना है, आप कैसे उसका क्रॉस प्रोडक्ट करते थे। तो उसी को मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो मैंने क्या किया ए एक्स ए वाई ए जेड लिख दिया। अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, डेल अपॉन डेल एक्स, इसको लिखूंगा डेल अपॉन डेल वाई, इसको लिखूंगा डेल अपॉन डेल जेड। इसके बाद सर आप क्या लिखेंगे, इसके बाद मैं वैल्यूज लिखूंगा वेक्टर की। पहली वैल्यू क्या है, एक्स के साथ कौन सी वैल्यू है तो उसको लिख दूंगा, उसके साथ देखो एक्स स्क्वायर वाई जेड है, वाई के साथ वैल्यू जीरो है, जेड के साथ वैल्यू एक्स इंटू जेड है। तो ये मैंने मैट्रिक्स लिख के अपना जो है काम थोड़ा सा आसान कर लिया है। कुछ स्टूडेंट तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसको सीधे सॉल्व कर सकते हैं, जिनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
आई हैव यू नो गुड फीलिंग विद दोज स्टूडेंट जो बिना किसी, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका थोड़ा सा आप मैट्रिक से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप ऐसे चलिए। अब बात कर लेते हैं इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो मैं आपको मैट्रिक्स भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ अगर आप थोड़ा सा भूल गए हैं पुरानी। तो देखिए सबसे पहले मैं ए एक्स के लिए लिख रहा हूँ, ए एक्स के लिए कैसे लिखूंगा, ए एक्स के लिए लिखूंगा क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना, इसका क्रॉस इससे प्रोडक्ट करेंगे और इसका क्रॉस इससे प्रोडक्ट करेंगे तभी आंसर आएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो डी अपॉन डी वाई करूंगा पहले और ब्रैकेट में रखूंगा एक्स इंटू जेड, माइनस करूंगा डी अपॉन डी जेड करूंगा और ज़ीरो रखूंगा क्योंकि इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। फिर टोटल में एक ब्रैकेट लगाऊंगा मैं और ब्रैकेट के बाहर लिखूंगा क्या ए एक्स का कैप, क्योंकि ये ए एक्स यूनिट वेक्टर का है, उसके बाद मैं ए वाई के लिए काम करूंगा। ठीक है, समझ में आता है ना सबके। अब मैं ए वाई के लिए लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो अब दूसरे वाले के लिए लिखना है मुझे, इसके लिए अब इसके लिए लिखना है तो मैं फिर यहाँ पर करूँगा इसके लिए डी अपॉन डी जेड पी एक्स करूँगा। ये देखो ये वाला ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट किससे होगा, इससे होगा, यानी ये और ये आपस में क्रॉस प्रोडक्ट होंगे ये दोनों आपस में, और डी जेड को एक्स स्क्वायर वाई जेड के साथ करूँगा मैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है, तो मैं पहले डी एक्स अपॉन जिसको करूँगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस साइन बदलते जाते हैं अगर आपको पता हो तो, देखो ये वाला प्लस था तो दूसरा कौन सा होना चाहिए, प्लस नहीं होना चाहिए माइनस होना चाहिए, अब माइनस होना चाहिए तो उसके बाद अब मैं देखो डी अपॉन डी एक्स कर रहा हूँ, डी अपॉन डी एक्स एक्स जेड माइनस डी अपॉन डी जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा और ए वाई लिख दूंगा यहाँ पर। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को लगे सर ये डी जेड वाला आप टर्म पहले लिखिए इसको बाद में लिखिए और यहाँ प्लस कर लीजिए, अगर आपका ये कन्वेंशन है आप इसमें कंफर्टेबल हैं तो आप वो कर लीजिए, लेकिन मैं तो हमेशा ऐसे ही सॉल्व करता हूँ कि एक को पहले प्लस फिर दूसरे को माइनस, अब तीसरे को फिर से मैं प्लस लिखूंगा, इसमें मुझे कन्फ्यूजन नहीं होता कभी। तो ए जेड के साथ क्या रखूंगा, देखो डी बाई डी एक्स का मैं जीरो पर रखूंगा तो डी बाई डी एक्स जो है वो मेरा आ जाएगा, वो मेरा जीरो पर आ जाएगा प्लस माइनस डी अपॉन डी वाई जो मेरा है वो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई जेड पे आ जाएगा आपका ये ब्रैकेट, और फिर इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को मैं क्लोज कर रहा हूँ देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर लिख रहा हूँ ए जेड कैप। तो ये मेरा जो है फाइनल सोल्यूशन बन के आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए अगर आप देखेंगे तो ये मैंने डी अपॉन डी वाई किया हुआ है, डी अपॉन डी वाई जब आप करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, ये एक्स जेड को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, लेकिन मैंने बताया था आपको अगर आप डी वाई डी वाई कर रहे हैं तो एक्स और जेड इसके लिए क्या हो जाएंगे, ये एज ए आपके कांस्टेंट हो जाएंगे, क्या कांस्टेंट हो जाएगा एक्स इंटू जेड, किसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा जब आप डी अपॉन डी वाई कर रहे हैं तो ये टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन निकालते हो तो क्या आता है, जीरो आता है, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा माइनस ये जीरो, तो जीरो का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही रहेगा तो ये तो जीरो ही हो गया। चलिए ये तो हो गया हमारा काम, अब इसको देख लेते हैं, ये डी वाई डी एक्स कर रहे हैं तो एक्स के अलावा जेड और वाई क्या होंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, तो मैं जेड को बाहर ले लेता हूँ और डी अपॉन डी एक्स एक्स का करेंगे तो वन आ जाएगा तो मेरा सिर्फ जेड बचेगा यहाँ पर। अब माइनस का डी अपॉन डी जेड कर रहा हूँ मैं तो बाकी टर्म क्या हो जाएंगे मेरे, एक्स स्क्वायर वाई क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, तो मैंने कांस्टेंट लिख दिया इसको एक्स स्क्वायर वाई, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ और मैं बाहर क्या लिख दूंगा ए वाई। अब फिर मैंने प्लस लगाया और मैं जीरो का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा माइनस ये डी वाई से डी अपॉन डी वाई के लिए क्या होगा एक्स स्क्वायर जेड का टर्म तो कांस्टेंट हो जाएगा ये बाहर आ जाएगा और डी अपॉन डी वाई वाई का क्या बचेगा ये आपका वन हो जाएगा तो ये मैं ब्रैकेट क्लोज करके ये ए जेड लिख दे रहा हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इस आंसर को आप इस आंसर से अगर मैच कराएंगे तो आपको लगेगा कि दोनों आंसर सेम है, देखिए ये वाला आंसर और ये वाला मेरा जो फाइनल आंसर है, ये मेरा फाइनल आंसर जो है, ये वाला जो फाइनल आंसर है ये देखिए ये वाला फाइनल आंसर, ये जो है मेरा फाइनल आंसर और ये जो मैंने निकाला हुआ है दोनों बोथ आर सेम। तो ये क्या निकाला आज मैंने आपको, कर्ल बताया निकालना। तो पहले हमने डिटेल बात की थी आपको याद होगा डेल ऑपरेटर की, फिर एक एग्जांपल लेके मैंने आपको डेल ऑपरेटर को ग्रेडियंट निकालना बताया और बार बार आपको याद रहे ग्रेडियंट किसका निकलता है, स्केलर क्वांटिटी का।
फिर मैंने कहा था आपको डाइवर्जेंस और कर्ल, डाइवर्जेंस और कर्ल वेक्टर क्वांटिटी का निकलता है। डाइवर्जेंस निकलता है डॉट प्रोडक्ट से और कर्ल निकलता है क्रॉस प्रोडक्ट से। तो मैंने आज आपको एग्जांपल लेके समझाया कैसे कर रहा है इसको, लेकिन आपको एक फीलिंग आना चाहिए कि सर आपने जो भी आज काम किया है पिछले दो वीडियो में वो सारा का सारा किस प्लेन में किया, कार्टेशियन सिस्टम में किया है। इसके अलावा भी मैंने कहा था मैं दो बातें आपसे जरूर करूंगा, कौन कौन सी बातें? एक बात मैं करूंगा आपका ये आपका सिलिंड्रिकल सिस्टम, और एक बात मैं करूंगा आपको स्फेरिकल सिस्टम। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें, ये नंबर वन सिलिंड्रिकल सिस्टम और स्फेरिकल सिस्टम में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा डेल ऑपरेटर का वैल्यू क्या होता है और उसको हम कैसे समझें, क्या ये ऐसे ही होता है जैसा कार्टेशियन में होता है या कुछ अलग होता है, अगर अलग होता है तो उसका मेथड क्या है समझने। ये बहुत सारी बातें सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल के सिस्टम में, मैं डेल की बात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं देखिए मैंने अलग अलग लिख रखा है ये क्या है कार्टेशियन के लिए है, ये सिलेंड्रिकल के लिए है, ये स्फेरिकल के लिए। ये फॉर्मूला टफ होता चला गया लेकिन मैं आपको ऐसे टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेगा, दैट इज माई प्रॉमिस। बस आप बने रहिए, ये वीडियो अभी मैं यहीं रोकना चाहता हूँ। आई विल कम बैक विद द न्यू वीडियो एंड वेयर आई विल डिस्कस द डेल ऑपरेटर इन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कॉम्बिनेशन। ओके, थैंक यू।